आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर ममता, देश के संविधान का भी अपमान कर रही है दीदी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, लोग मानते हैं कि मोदी सरकार के राज में देश सुरक्षित। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ सरकार और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के खिलाफ एफआईआर, सिंधी समुदाय के बारे में कहे थे अपशब्द। और दिग्विजयी अनुष्ठान की खुली पोल, कंप्यूटर बाबा झूठ बोलकर साधुओं को लाए, अनुष्ठान का खर्च दिग्विजय सिंह के चुनावी खाते में। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में हुई बयानबाजी का जिक्र करते हुए कहा कि ममता दीदी कितनी परेशान है उनका अंदाजा उनकी भाषा से लगाया जा सकता है। वो अब मेरे लिए पत्थरों की बात करती हैं, थप्पड़ों की बात करती हैं, मुझे तो गालियों की आदत है, लेकिन बौखलाहट में दीदी देश के संविधान का भी अपमान कर रही हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदान के अंतिम दो चरण बचे हैं और इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को अपने चुनाव अभियान का आगाज पश्चिम बंगाल के बांकुरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए किया। यहां उन्होंने एक बार फिर से ममता बनर्जी और राज्य में उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, दीदी कितनी परेशान है उसका अंदाजा उनकी भाषा से लगाया जा सकता है। वो अब मेरे लिए पत्थरों की बात करती हैं, थप्पड़ों की बात करती हैं, मुझे तो गालियों की आदत है, लेकिन बौखलाहट में दीदी देश के संविधान का भी अपमान कर रही हैं। ममता दीदी ने पहले बंगाल को अपनी सत्ता के नशे में बर्बाद किया, अब वो बंगाल को और तबाह करने पर तुल गई हैं। अपनी सत्ता जाने के डर से उन्हें माँ माटी मानुष की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने हितों, अपनी कुर्सी, अपने रिश्तेदारों, अपने भतीजे और अपने टोला बाजों की परवाह है। साइक्लोन आया तो मैंने उन्हें दो दो बार फोन किया, लेकिन उनका अहंकार इतना है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से बात करना उचित नहीं माना। यहां तक कि भारत सरकार यहां के अफसरों के साथ बैठ करके इस साइक्लोन के समय मदद करना चाहती थी, लेकिन दीदी ने उस मीटिंग करने से भी इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ किया गया ये विश्वासघात, ये अहंकार ही दीदी को ले डूबेगा। मोदी ने कहा, दीदी अपने देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने में उन्हें गौरव का अनुभव होता है। जब पश्चिम बंगाल में समुद्री तूफान आया तो मैंने दीदी को दो दो बार फोन किया, लेकिन उनका अहंकार इतना है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से बात करना उचित नहीं समझा। यहां तक कि भारत सरकार यहां के अफसरों के साथ बैठक करके राज्य की मदद करना चाहती थी, लेकिन दीदी ने उस मीटिंग को भी करने से भी इनकार कर दिया। पीएम ने कहा, दीदी के दिल में पैटियों के लिए और विदेशी कलाकारों के लिए ममता है, लेकिन हमारे आदिवासी युवा, हमारे सपूत जो राष्ट्र रक्षा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए कोई ममता नहीं है। जब हमारे वीर सपूतों ने पाकिस्तान में आतंकियों के घर में घुसकर मारा तो दीदी को आतंकियों की लाशें दिखाने की मांग की। जब पूरा देश सर्जिकल स्ट्राइक डे मना रहा था तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। चुनाव का मौसम है, हर नेता अपने आप को आक्रामक दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पीछे रह सकते हैं? उनको भी जब जब मौका मिलता है वो अपने विपक्षी दलों के लोगों पर वार करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। अब खबर भोपाल से। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोग मानते हैं कि मोदी सरकार के राज में देश सुरक्षित है।
2019 का लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 में सुशासन की नींव रखी गई, भ्रष्टाचार खत्म करने की इस पहल को जारी रखना बेहद जरूरी है। भोपाल में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, युवाओं को अवसर देने के लिए फिर मोदी सरकार जरूरी है। सीतारमण ने कहा, पीएम को अपशब्द बोले जाएंगे तो नाम लेकर ही जवाब दिए जाएंगे। राफेल मामले को लेकर उन्होंने कहा, राफेल देश हित में है, इसकी सभी जानकारी कोर्ट और सभी एजेंसी के पास है। उन्होंने कहा, सेना का दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस को जनता जवाब देगी। कर्फ्यू का मतलब हम समझते हैं, देश भर में विदाउट मेजर प्रॉब्लम और दंगा अगर सरकार चल पाए और इंटेलिजेंस का सही एक्शनेबल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए देश को सुरक्षित रख पाए तो ये पिछले 5 साल। सीतारमण ने कहा, राम मंदिर आज भी हमारे मैनिफेस्टो में है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लिहाजा अभी बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, देश का माहौल और जनता मोदी सरकार के साथ और सरकार जनता की कसौटी पर खरी उतरी है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी को लेकर जम के सियासत चल रही है और ये सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ सरकार और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का कर्ज माफ नहीं हुआ है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया है। किसान कर्ज माफी को लेकर अपनी बात को सही साबित करने के लिए शिवराज सिंह ने ग्राम पंचायत के रजिस्टर की कॉपी प्रमाण के रूप में दी। उसमें लिखा है कि रोहित चौहान ने कर्जा माफी का आवेदन ही नहीं किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहा कि कल राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे भाई का भी कृषि लोन माफ हुआ है। कृषि लोन की माफी के लिए जैत पंचायत में 2 आवेदन दिए गए हैं, उनमें से साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे भाई रोहित ने कर्ज माफी के लिए कोई आवेदन ही नहीं भरा है। 1.1 में स्पष्ट उल्लेखित किया था कि सभी किसानों का ₹2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। अरे उनके वचन पत्र में एकदम साफ कहा हुआ है, ये मैं वचन पत्र की फोटो कॉपी आपको दिखा रहा हूं। अरे यार पीछे हो जाओ, इस फोटो कॉपी में आप देखेंगे 1.1 पर सभी किसानों का ₹2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, जिसमें सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। अब आज का कांग्रेस बहुत परेशान है, सपने में भी मैं नजर आ रहा हूँ। शिवराज सिंह के भाई रोहित भी इस मामले पर सामने आए और उन्होंने कहा, मैंने आवेदन नहीं किया, मैं इसकी शिकायत कर रहा हूं, ये बदनाम करने की साजिश है। ना तो मेरी हैंडराइटिंग है, ना मेरे साइन है, मैं हमेशा इंग्लिश में साइन करता हूं और चेक पे ही होने के नाते मैं स्वयं जानता हूं कि ऋण योजना में मैं पात्र नहीं हूं, तो मैं क्यों अपने फॉर्म भरूंगा। ये फॉर्म है ना पूरा फर्जी है, कूट रचित है, सरकार को साहब को भैया को बदनाम करने के लिए किया गया है। नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस किसानों का कर्ज माफी नहीं, कर्ज माफी के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर रही है और किसान बदहाल और परेशान है। शिवराज सिंह के बाद कांग्रेस ने भी उनके भाई का कर्जा माफ होने का सबूत पेश किया। कृषि मंत्री सचिन यादव ने ट्वीट कर शिवराज सिंह के भाई रोहित सिंह के कर्ज माफी से जुड़ा आवेदन और बाकी दस्तावेज पेश किए। वही कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि शिवराज सिंह लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब चूंकि चुनाव का समय है, किसान भाई हमारे प्रदेश की जनता भोली भाली की 7.5 करोड़ जनता, तो कहीं इनके गुमराह करने या भ्रम में ना आ जाए, इसलिए हम सच्चाई स्पष्ट कर रहे हैं। हम आज भी कह रहे हैं, हमें शिवराज और भाजपा के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, सर्टिफिकेट किसान को मिल चुका है ऋण मुक्ति का, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा गुमराह करने में माहिर है, भाजपा की जो डर्टी पॉलिटिक्स है उसमें माहिर है, तो हम ये प्रमाण इसलिए पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं किसान भाइयों को, जनता को, मीडिया के साथियों को, कि हमने जो वचन
कहा था उसे निभाया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष सूची दिखा रहे थे कि मेरे भाई रोहित चौहान का कर्ज माफ हुआ है। मैंने हकीकत पता की तो मैं बता दूं, मेरे भाई ने कर्ज माफी का आवेदन ही नहीं भरा। फिर कमलनाथ जी, आप मुझ पर इतनी कृपा क्यों करते हो? वो यही नहीं रुके, उन्होंने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कमलनाथ सरकार को भी घेरते हुए कहा कि एमपी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वचन पत्र में सभी किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, उल्टा मुझे आई ड्रॉप भेजे, बादाम और च्यवनप्राश भेजा ताकि मैं देख सकूं कि कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। फिलहाल जिस तरह के आसार बने हुए हैं उसको देख के लगता है कि किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा इतनी आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है, अभी चुनाव और फिर चुनाव के बाद भी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए किसानों का कर्जा किस तरह से कमलनाथ सरकार माफ करेगी इसको लेकर कई तरह के लेकिन किंतु परंतु है। अब देखना होगा कि कमलनाथ इस सब को किस तरह से डील करते हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंधी समुदाय के बारे में अपशब्द कहने के मामले में हुजूर के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। विधानसभा चुनाव के समय विधायक रामेश्वर शर्मा का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो सिंधी समुदाय को लेकर गलत बयानी कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के ऑडियो वायरल का मुद्दा गर्मा गया है। 5 माह पूर्व विधानसभा चुनाव के पहले सिंधी समाज को अपशब्द कहने के मामले में विधायक शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR होने के बाद संत हिरदाराम नगर में भोपाल सिंधी सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष भगवान देव इसरानी ने बीजेपी विधायक की सदस्यता निरस्त करने की मांग की है। विधायक जी के खिलाफ हमने FIR 29 नवम्बर को कराई थी और आज वो 1 बजे रात को दर्ज हुई है। थोड़ा लेट जरूर हुआ है लेकिन ठीक है, हमारे साथ न्याय हुआ। मैं सारे प्रदेश के सिंधी समाज के और दीगर समाज के जिन लोगों ने हमको सहयोग किया, भोपाल के पंचायतों ने, संत नगर की पंचायत ने, जिन्होंने भी हमारे साथ परोक्ष अपरोक्ष रूप से सहयोग किया, पत्रकार बंधुओं ने भी सहयोग किया, मैं सबका हृदय से आभारी हूँ। मैं अब ये अपेक्षा करता हूँ कि इस FIR के बाद पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से जांच करके इस मामले को प्रभावी तरीके से अदालत में रखेगा और इनको सजा हो, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति को समाप्त होना चाहिए समाज से। जो दो समाजों को लड़ाते हैं, शांतिपूर्वक रहने वालों को लड़ाते हैं, ये जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना और एक दूसरे के प्रति विद्वेष पैदा करने की प्रवृत्तियाँ हैं, हम इसके बेसिकली इसके खिलाफ थे। जैसी करने वैसी बनी, रामेश्वर शर्मा ने जो किया था ये उसी का परिणाम है जो उनके खिलाफ FIR हुई है। और हम तो शुरू से ही सिंधी समाज के बीच में रहे हैं, पढ़े लिखे इधर बड़े उन्हीं के बीच में रहे हैं, तो जो जात को धर्म को गाली बकेगा उसके खिलाफ सही कार्रवाई हुई है। हमेशा हम अपनी जान की बाजी लगा के इस लड़ाई को पूरा करेंगे और हम सिंधी समाज के साथ हैं। जो रामेश्वर शर्मा ने किया उसका उसके नतीजे में FIR है। सिंधी समाज ने बीजेपी से कहा कि वह विधायक की सदस्यता निरस्त करें और उसे बीजेपी से बाहर करें। सिंधी समाज ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी अगर शर्मा को निष्कासित नहीं करती है तो फिर सिंधी समाज बीजेपी के खिलाफ फैसला लेगा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। भोपाल में दिग्विजय सिंह की जीत के लिए अनुष्ठान करने आए साधुओं ने अब इसकी पोल खोल दी है और कहा है कंप्यूटर बाबा ने झूठ बोलकर उन्हें यहाँ बुलाया था और एक राक्षस का सपोर्ट करने के लिए कहा था, ये धर्म के मर्म को क्या समझेंगे। भोपाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय के सपोर्ट में
और उनकी जीत के लिए साधुओं ने भोपाल में हठयोग किया, लेकिन इस वक्त भी कई साधु राजनीतिक ड्रामा देखकर चलते बने थे। इन बाबाओं और साधुओं का कहना था वह सनातन धर्म की रक्षा के लिए अनुष्ठान करने आए हैं, ना कि दिग्विजय सिंह के लिए। अब मथुरा से आए साधुओं ने कहा कंप्यूटर बाबा ने झूठ बोलकर उन्हें यहाँ राक्षस का सपोर्ट करने के लिए बुलाया, ये धर्म के मर्म को क्या समझेंगे। इन साधुओं ने कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को भला बुरा कहा। आप यहीं से? हम आ गए थे भटकते भटकते। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं? हम आए तो गए थे मथुरा से हैं जी, यहाँ आ गए थे किसी के धोखे के शिकार बन के। अच्छा, आ गए थे। कैसे धोखा? कैसे धोखा? ऐसा था कि अब हमें पता नहीं था कि एक कोई है यहाँ के कंप्यूटर बाबा। हाँ जी जी, बहुत पेपर में उनका आ रहा है, काफी आ रहा है। हाँ, वो किसी राक्षस के सपोर्ट में बुला लिए। हम लोगों को क्या पता था, हम तो जब यहाँ आए तो सब पता पड़ा जी कि ये लोग तो राक्षस का सपोर्ट करते हैं जी। ये कैसे साधु हैं, एक तनु की तरह हैं, जो धर्म के मर्म को जानते नहीं, धर्म क्या है जी। और राक्षस से मायने? राक्षस का मतलब यही होता है कि जो आदमी निशंस बिना दोष के परम साध्वी जी को जेल में करवा दिया, उनको इतनी यातना मिली, इतना कष्ट दिया। जो आदमी हिंदू को आतंकवादी कहता था, जो आदमी जाकिर नाइक जैसे पापी को जो आतंकवाद पनपाता है उसको अपना आदर्श बताता है, भारत का शांति का दूत बताता है, और उसको कोई शांति का दूत नहीं दिखता है। जो वास्तव में शांति के दूत वाले संत हैं उनको उसको आतंकवादी दिखते हैं। ऐसे दुष्टों के समर्थन में साधु वेश लेकर के लोग ऐसा पाप कर रहे हैं जी, तो नरक में जाएंगे। तो आपको क्या बोला गया था? अब ऐसे ही बोला गया था कि यहाँ पर भंडारा भंडारा है, आ जाओ। हम लोग आ गए, हमें क्या पता था कार्यक्रम है, बड़ा सत्संग है, लेकिन ये तो पूरी तरह से राजनीतिज्ञ है जी। और अपनी राजनीति के राजनीतिज्ञ है। हाँ महाराजी, पहले से राजनीतिज्ञ है। अच्छा, वो तो कांग्रेस का ही आदमी है पूरा। नहीं राजनीति, अब ये ऐसी राजनीति का क्या मतलब है? जो धर्म की राजनीति के अलावा और कुछ करना ही नहीं है। ये तो एक भी हिंदू नहीं है, नकली हिंदू है। दिग्विजय सिंह जी कितना भी प्रयास कोशिश करने के बाद भी दिग्विजय सिंह को जीतना नहीं है, प्रज्ञा सिंह को ही जीतना है, यहाँ से बीजेपी को जीतना है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इन साधुओं का कहना है कि सत्संग और भजन भोजन की बात सुनकर वो यहाँ तक चले आए थे, लेकिन यहाँ देखा तो साधुओं के नाम पर राजनीति चल रही थी, इसलिए इन लोगों ने खुद कंप्यूटर बाबा से किनारा कर लिया। एक और खबर भोपाल से। भोपाल में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा अब हर घर पर दस्तक देकर खुद को लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने का एहसास करवाने की कोशिश में लगे हैं। दिग्विजय सिंह गाय को चारा खिला रहे हैं तो साध्वी प्रज्ञा बच्ची का नामकरण करती नजर आ रही हैं। भोपाल का चुनाव बेहद रोचक दौर में है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव धर्म युद्ध में तब्दील हो गया है और हर तरफ से भगवा झंडे लहराकर हिंदू वोटों को अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को भी नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। वे कभी किसी मंदिर में पहुंचते हैं तो कभी किसी आश्रम या समाज के कार्यक्रम में। गुरुवार को भी वे गायत्री मंदिर पहुंचे और गौ माता की पूजा कर उसे हरा चारा खिलाया। सवाल वोट का है, इसीलिए दिग्विजय सिंह किसी किस्म का रिस्क लेने से मूड में नहीं है। चारा खिलाने के लिए चारा ले आए, चारा ले आओ भैया, चारा ले, एक पिंडी उठा रहा हूँ। भोजनशाला समाज यो यो
वहीं दिग्विजय सिंह समर्थक मंत्री पीसी शर्मा नर्मदा का लाल जीतेगा नारों के साथ शहर के कई क्षेत्रों का दौरा किया और नर्मदा जल बांटा। शर्मा ने लोगों से कहा कि आप उसको वोट देंगे जिसने हेलीकॉप्टर से नर्मदा का दौरा किया या जिसने पैदल दौरा किया, और जनता से कहा कि आप पैदल दौरा करने वाले दिग्विजय सिंह को ही वोट दें। ये नर्मदा जल है, नर्मदा जी से इसमें भर के आपके लिए लाया गया है, और 3300 किलोमीटर नर्मदा जी की परिक्रमा की है दिग्विजय सिंह जी ने स्थापित है। दूसरी ओर नई नई राजनीति में आकर चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा सिंह भी भोपाल की गली गली घूम रही हैं। वे सबके राष्ट्रवाद और भगवा आतंकवाद का मुद्दा रखकर वोट मांग रही हैं। अपने भगवा पहनने के कारण वे सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। भोपाल के मिनाल इलाके में साध्वी प्रज्ञा चुनाव प्रचार कर रही थी, तब एक महिला ने अपनी बच्ची का नामकरण उनसे करने का अनुरोध किया। साध्वी प्रज्ञा ने इस बच्ची को गोद में लिया और उसका नाम प्रज्ञा रख दिया। इसका नाम मैंने प्रज्ञा रख दिया। आज से ये प्रज्ञा, सरनेम क्या है? कारपेंटर। ये हो गई प्रज्ञा कारपेंटर की जय। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। चुनाव के पहले नेता कुछ इसी तरह नजर आते हैं, लोगों के घर घर पहुंचते हैं। चुनाव के बाद जरूर लोग परेशान होते हैं, वो नेताओं के घर के चक्कर काटते रहते हैं, उसके बावजूद उनके जो जायज काम है वो कई बार नहीं हो पाते हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी राजनीति को निम्न स्तर पर ले आए हैं। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आई ड्रॉप और बादाम भेजे, तो बीजेपी ने कांग्रेस के लिए चमनप्राश भेजा है। दोनों ही दल जनता के मुद्दों से भटक गए और इस किस्म का काम कर रहे हैं जिससे राजनीति मजाक का पात्र बन गई है। बिना मुद्दों और फिजूल की राजनीति इन दिनों मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस सरकार और बीजेपी आमने सामने हैं। ऐसे में मसलों को किनारे कर एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बादाम और आंखों के 2 ड्रॉप याददाश्त बढ़ाने और नजर ठीक करने के लिए भेजे। सलूजा का कहना है क्योंकि कल किसानों के कर्ज माफी की लिस्ट शिवराज सिंह पढ़ नहीं पा रहे थे। कांग्रेस का आरोप, शिवराज सिंह की आंखें और याददाश्त सब कमजोर हो गई हैं। कर्ज माफी की सूची में शिवराज सिंह को बैंक का नाम, किसानों का नाम नहीं दिख रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जैसे किसानों की कर्ज माफी को लेकर लगातार झूठ बोल रहे थे, उसके कारण कल कांग्रेस से एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला। हमने 21 लाख किसानों की कर्ज माफी वाली सूची उन्हें सौंपी और हमें उम्मीद थी कि सूची के सौंपने के बाद जब हम जाएंगे तो वे सच को स्वीकारेंगे और सच बोलना चालू कर देंगे, लेकिन जैसे हम सूची सौंप कर निकले फिर पलटकर झूठ बोलना चालू हो गए। अरे ये तो सूची कृषि विभाग की है, हमें बैंक की सूची नहीं दी। अच्छा हुआ उन्होंने यह नहीं कहा कि बैंक में राशि डालने के पहले मुझे नहीं दिखाई। हमारी सूची के अंदर बैंक के नाम, बैंक में माफ की गई राशि जो हमने डाली अकाउंट में उनके, और सारे प्रमाण मौजूद है। उसके बाद भी झूठ परोस रहे हैं तो लगता है कि उनको दृष्टिदोष हो गया है। एक दिन पूर्व कंधे पे लालटेन लेके निकल गए, पीछे लाइटें चल रही, बाजारों में लाइटें चल रही है और कह रहे हैं कि लालटेन युग आ गया, जबकि पूरे बाजार में लाइट चल रही थी और ये कंधे पे लालटेन लेके निकल रहे हैं।
थोड़े दिन पूर्व छिंदवाड़ा जाते हैं, खुद का 17 दिसंबर 2010 का आदेश है कि 5 बजे तक की हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति है। कहते कमलनाथ के इशारे पर मुझे लैंड नहीं करने दिया गया, कलेक्टर को ऑप्शन कहते जबकि खुद के ही आदेश था, भूल गए। कभी कहते हैं अंतिम संस्कार के पैसे बंद कर दिए, भावांतर के पैसे बंद कर दिए, संबल योजना के पैसे बंद कर दिए, जबकि कोई योजना बंद नहीं हुई। लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लगातार कुर्सी प्रेम दिख रहा है, सभाओं में जाते हैं, अरे मुझे और सीटें मिल जाती तो मैं मुख्यमंत्री बन जाता। इससे समझा जा सकता है कि उन्हें दृष्टिदोष हो गया, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई। कल हमने सूची दी, अब चूंकि उनकी याददाश्त में जो कमी है, एक इतने जिम्मेदार पद पर रहे तो हमारा भी कोई नैतिक दायित्व बनता है कि इतने जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में कुछ सोचे। तो हमने सोचा उनकी याददाश्त बढ़ाने के लिए आज हम उन्हें बादाम भेज रहे हैं और उनसे उम्मीद कर रहे हैं, और आईड्रॉप भी भेज रहे हैं साथ में, कि ये आईड्रॉप बादाम इसका ये सेवन करें नियमित रूप से, ताकि इनकी आंखों की रोशनी बढ़े, दृष्टि दोष जो है उनका वो खत्म हो, और साथ में चमनप्राश भी भेज रहे हैं ताकि इससे भी इनकी जो स्मृति जो उनकी जो दृष्टि है वापस आए और निश्चित तौर पर वो सच बोलना चालू करें। कांग्रेस जब हल्केपन पे उतर आई तो बीजेपी कहाँ पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस की बुद्धि ठीक करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के लिए च्यवनप्राश भिजवा दिया। शिवराज ने इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी विधायक रामेश्वर शर्मा को दी। इसे देखकर ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति मुद्दों से भटक के बादाम और च्यवनप्राश तक पहुंच गई है। अब जब नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के उपक्रम करने लगते हैं, तब तब ऐसी ही राजनीति का सत्यानाश होता है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश में चुनाव का माहौल है, इसलिए तरह तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, और ये भी देखने में आ रहा है कि राजनीति और खास करके नेता अपने निम्न स्तर पर उतर आए हैं। छतरपुर में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। यह हादसा बोलेरो और कार के टकरा जाने से हुआ। तेज रफ्तार के कारण इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। यह दुर्घटना छतरपुर के गुलाबगंज थाना के अगनौर की है, जब तेज रफ्तार बोलेरो ने छतरपुर की ओर जा रही कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार और बोलेरो में बैठे एक दर्जन लोग घायल हो गए। कार सवार जैन परिवार खजुराहो से शादी समारोह से वापस दमोह जा रहा था, जबकि बोलेरो कार में सवार लोग भेड़ाघाट से शंकर जी की प्रतिमा लेकर वापस उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के श्रीनगर जा रहे थे, तभी यह घटना हो गई। घायलों का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। लेकिन जो गाड़ी चला रहा था दूसरा आदमी, गाड़ी देख पाए कौन सी है, तो उसने अपनी साइड छोड़ कर हमारी साइड में पूरी गाड़ी भर दी। इस जगह से गाड़ी भरने के कंट्रोल भी नहीं हो सकती थी, तुरंत कहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। उसने सीधी गाड़ी मार दी, ये सामने सीधे सामने से 9 लोग ड्राइवर सके तो 9 लोग थे। हाँ, ड्राइवर को आए दौड़े और सब लोग ठीक है। अभी 9-10 लोग आए, 100 नंबर डायल से आए थे, तो इनका शायद बता रहे हैं कि 2 गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं, तो काफ़ी 9-10 लोग आए हैं, तो कुछ तो ठीक है, कुछ को मामूली चोटें आई हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा सिर में ज़्यादा चोट आई है, तो सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके अपना ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर दिया और वहाँ पर इनका इलाज चालू है। अब वो तो अभी ऐसा तो इतनी सीरियस हालत वाला तो कोई नहीं लग रहा था, लेकिन अभी बाकी एक्सरे वगैरह होगा तब उसके बाद पता चलेगा कि सिर में कितनी चोट आई है क्या है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर जबलपुर से, एटीएम का क्लोन बनाकर अब तक करोड़ों रुपए की जालसाजी करने वाले जालसाजों के गिरोह का खुलासा जबलपुर पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को पकड़ लिया है, बाकी जालसाजों की तलाश जारी है। हाल ही में जबलपुर के कई इलाकों में लोगों के खाते से रुपए निकाले जाने के किस्से सामने आए हैं। एटीएम के जरिए अलग अलग लोगों के बैंक खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रुपए निकाले गए। इन वारदातों को एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर अंजाम दिया गया। जबलपुर के ओमती थाना, गढ़ थाना, आधार तल थाना में इस किस्म के अपराध पंजीबद्ध हुए तो पुलिस ने गहन छानबीन शुरू कर दी और जालसाज गिरोह का पुलिस पहुँच गयी। शहर में 3 ऐसी घटनाएं हमारे सामने थी। क्राइम ब्रांच ने यूपी के एक गैंग को पकड़ा है और उस गैंग से हमें 3 घटनाओं का हमारा खुलासा हुआ है, जिसमें ये लोग एटीएम पर जब कोई व्यक्ति अपने ट्रांजैक्शन करता था तो वहाँ पे खड़े होकर मदद के नाम पे या अपने किसी और बहाने से खड़े होकर अपने स्पाई कैमरा से, हिडन कैमरा से उसके कार्ड की डिटेल्स और उसका पिन नंबर उसको कैप्चर कर लेते थे और उसके बाद इनके पास से एक ऐसा सॉफ्टवेयर और एक ऐसा डिवाइस मिला है जिसके माध्यम से कि डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनाकर फिर उसको कहीं भी उसके पैसे विड्रॉ कर लेते थे। इनके गैंग के कुछ सदस्य यूपी से ऑपरेट करते हैं। जब इनको जानकारी मिल जाती है कार्ड नंबर की और पिन कार्ड की तो ये यूपी में जो इनके कुछ गैंग मेम्बर जो बैठे रहते हैं उनको ये जानकारी भेज दिया करते थे और फिर वो वहाँ पर डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनाकर वहाँ से पैसे विड्रॉ कर लेते थे। इसमें अभी वर्तमान में 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं, उनके कुछ गैंग के अन्य सदस्य भी हैं, इनको हम लोग भविष्य में पकड़ेंगे। पुलिस ने विवेचना की तो घटनाओं के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े और फिर पुलिस ने सबूत जुटा कर बजरंग बहादुर, संदीप सिंह और कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टाटा सफारी, लैपटॉप, एटीएम स्वाइप मशीन, 7 एटीएम क्लोन और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल ने बताया कि जब फरियादी रुपए निकालने एटीएम में जाता तब आरोपी भी एटीएम में मौजूद होकर अपने मोबाइल से स्पाइक कैमरा की मदद से उनका एटीएम पासवर्ड की रिकॉर्डिंग कर लेते थे। उसके बाद आरोपियों द्वारा रिकॉर्डेड वीडियो की धीमी गति से देखकर लैपटॉप में मौजूद क्लोनिंग सॉफ्टवेयर व स्कैनर की मदद से रिकॉर्ड किए हुए एटीएम कार्ड नंबर का क्लोन तैयार कर देश के किसी भी कोने में जाकर किसी भी एटीएम से रात के वक्त 12 बजे पैसे निकालने का काम करते थे, जिससे फरियादी को मैसेज रात में आने का कारण पता ही नहीं चलता था। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। चलिए, आप गर्मी में परेशान होकर देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश का कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो इस खबर को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि रेलवे अपनी लाइन की मरम्मत करने के लिए इस रूट पर मेगा ब्लॉक करने वाला है जो कम से कम 4 दिन का होगा। गर्मियों में अगर आप कहीं ठंडी जगह जाने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके ही काम की है। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ जाने वाले रूट से कई लोगों की यात्रा का कार्यक्रम गड़बड़ा सकता है। इस रूट के ब्लॉक होने से कई यात्रियों के वीकेंड खराब हो सकते हैं। इंदौर शहर के कई लोग ठंडे इलाकों में गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन रेलवे प्रबंधक ने अचानक उस रूट पर मेगा ब्लॉक घोषित कर दिया है जो 4 दिन यानी 18 मई से 28 मई तक रहेगा। इस दौरान इंदौर से जाने वाले देहरादून एक्सप्रेस पूरी तरह से बंद रहेगी। कोई मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है जो इंटरलॉकिंग का काम होना है, तो हमारे जो इंदौर से देहरादून चलने वाली जो ट्रेन है उसको 4 ट्रिप उसके निरस्त किए गए हैं, जो 18 तारीख को यहाँ से जाती है उसको और 17 तारीख को यहाँ से जाती है उसको किया गया है। इसके बाद में ये 17 से लेके 28 तक ये 4 फेरे इसके निरस्त किए गए हैं और वापसी में भी इस ट्रेन को 18 तारीख से लेके और 29 तारीख तक ये निरस्त रहेगी, तो कुल मिला के 4 ट्रिप इसकी निरस्त रहेगी। मेगा ब्लॉक के कारण इंदौर से देहरादून चलने वाली ट्रेन के 4 ट्रिप कैंसिल होंगे, वहीं वापसी की ट्रेन भी इस मेगा ब्लॉक से प्रभावित रहेगी। फिलहाल रेलवे के अचानक से फरमान निकालने के कारण उन यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो वीकेंड और शहर की बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर सकते हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जर्जर भोपाली को, जो आपको सुनाएंगे भैरंट समाचार, वो भी अपने ही अंदाज में। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, भैरंट समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और कल्याण भाई। आजकल तो इलेक्शन में ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, बहुत मजा आ रही है बता रहे हूँ। अभी कल की ये खबर सुन लो, ये दिग्विजय सिंह के समर्थन में कंप्यूटर मोबाइल वाले बाबा हैं, कौन से
बाबाओं के नाम भी देखो कि टेक्निकल हो गए हैं आजकल, वो है ना तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ ये तंत्र मंत्र का उपयोग करना है तो अच्छे कामों में कर लो भैया, थोड़ा ये आतंकवाद समाप्त करवा दो, ये भ्रष्टाचार दूर भगाओ, ये ऐसे ऐसे काम करो इनके लिए। बाबाओं को मैं बता रही हूँ, ये बाबा वही है इनको पीछे राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया था। और मैं बता रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लूँ अगले चुनाव के बाद, हो सकता है मेरे को मंत्री वंत्री बना दें। बाबा को धंधा अच्छा है बता रही हूँ। और ये खबर ये देख लो, प्रियंका गांधी और ये यानी अब चुनाव में इनको जो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह होती बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पहले इनको ये दुर्योधन वगैरह बोल रही है मोदी को, और उसके बाद ये राष्ट्र कवि दिनकर की कविता सुना रही है, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बताओ अब ये कविताएँ वगैरह इनको समझ में आती है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उपयोग बहुत अच्छा हो रही है। हाँ ऐसा चल रहा है। और ये प्रज्ञा ठाकुर इनको है ना, ये मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आई थी, इनको इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, कल में मोटरसाइकिल वगैरह पर देखा इनको धूप में घूम रही थी पूरे शहर में। और मुझे लगता है कि हो सकता है ये धूप से उनको भी कुछ फ़ायदा मिलता हो, और चुनाव में तो घूमना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है बता रही हूँ। हाँ वही कांग्रेसी लोग देखो भैया, गट्ठे भर भर के है ना वो शिवराज सिंह चौहान के बंगले पे पहुंच गए, वहाँ पे वो सब सबूत देने के करीब माफ़ी के। उन्होंने कहा भैया बैंक वाली लिस्ट लाओ, ये कौन सी लिस्ट लेके आ गए, वो भी मुख्यमंत्री रहे उनको पता है माफ़ वाफ कैसे होता है बता रहे, ये सबूत ले लेके जा रहे हैं, मतलब क्या परंपराएँ शुरू हो गई हैं बता दो। वो उनकी सरकार आ गई फिर से तो फिर ये लेके जाएंगे सबूत, ये तो चल रहा है बता रहा हूँ। एक दूसरे को नीचे दिखाने में है ना कोई कसर छोड़ नहीं रहे बता रही हूँ। हाँ ये चल रहा है। वो आजकल कैलाश विजयवर्गीय नहीं दिख रहे, और वो मुझे पता लगा वहाँ गए हुए पश्चिम बंगाल, वहाँ पे इन्हें ममता बनर्जी को बहुत टेंशन में ला दिया, उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है हमारे मध्य प्रदेश के हैं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। और मैंने सुना है उनकी ससुराल भी वहीं है, तो वहाँ पे स्वागत वागत भी अच्छा होता होगा उनका। और मैं उतर अभी क्या रिजल्ट आ रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, ऐसे लपक के नंबर मिल रहे हैं 500 में से 499, ऐसे मतलब बच्चों को है ना वो शिक्षा मजदूर बना दिया बता रहे हूँ, ऐसी मजदूरी करवा रहे हैं बच्चों से लपक के, स्कूल से आए बस्ता फेंका और फिर कोचिंग जाओ, ये पूरे 24 घंटे पढ़ाई वढ़ाई, ये खेलना कूदना उनका बंद हो गया बेचारों का, वो नंबर देख के बड़े खुश होते हैं माँ बाप। हमें बता रहे हैं उनका मानसिक विकास भी तो जरूरी है, वो ये जो जाँचने वाले कॉपी और पेपर बनाने वाले पता नहीं क्या चल रहा है, हमारे टाइम में तो 60% आ जाते थे पूरा मोहल्ले मिठाई बांटता था, वो अब तो भैया हर आदमी मिठाई बांट रहा है, 90% से किसी कम नहीं आते, तो ये था तो चल रहा है मजदूरी चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में। और मैं भी सोच रहा हूँ भैया फिर से है ना अपनी परीक्षा दे लूँ, अपना परसेंटेज सुधार लूँ, लपक के नंबर मिल रहा है इस समय। हाँ तो भैया मैं चला कोचिंग पढ़ने, नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।